हेलो फ्रेंड्स, फ्री का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं शिवम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं द सन हुक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है द सन हुक, यानी कि आज के टॉपिक में हम लोग सीखने जा रहे हैं वैसे वर्ड्स के बारे में जिसके आखिरी या टर्मिनेशन साउंड सन से एंड होता है। द टर्मिनेशन सन, यानी कि जिस वर्ड के एंड में सन का प्रोनाउंस आता है। द टर्मिनेशन सन और सन वेरियस स्पेल्ड सन 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 सी एन एक्सेट्रा इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लार्ज हुक टू विच सर्कल एस मे बी एडेड एज रिक्वायर्ड। यानी कि जिस वर्ड के आखिरी में सन सन या उसी की तरह आने वाले वर्ड्स का प्रोनाउंस आए तो उनके एंड में एक बड़ा सा हुक लगाकर इन वर्ड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ में अगर उसके अलावा एस भी आए जैसे सन्स, तो उसके आखिरी में एस का भी सर्कल ऐड होगा जैसा उसमें जरूरत हो। तो आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिनके बेस पे हम लोग ये सन का हुक के बारे में और अच्छी तरह से समझ सकें। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, मोशन, नेशन और फैशंस और सेक्शंस। आइए इन वर्ड्स को शॉर्ट हैंड में लिखकर देखते हैं कि सन का हुक किस तरह से इन पे लग रहा है। तो मोशन लिखने के लिए पहले हम एम का कॉन्सोनेंट लगाना पड़ेगा, उसके आखिरी में बड़ा सा हुक लगा देंगे तो वो सन का प्रोनाउंस करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा मोशन। तो यहाँ पे हम लोग पहले एम का कॉन्सोनेंट लगा के और आखिरी में बड़ा सा हुक लगा रहे हैं। जैसा हुक हम लोग एन का लगाते थे उसी से बड़ा हुक अगर आखिरी में लगाएंगे तो ये सन का प्रोनाउंस करेंगे और मुंह का और ओ का वॉवेल, तो ये हमारा हो जाएगा मोशन। इसी तरह हम लोग को नेशन लिखने के लिए भी हम लोग को सिंपली एन का कॉन्सोनेंट, उसके बाद सन का बड़ा सा हुक और यहाँ पे ए का वॉवेल, तो ये हो जाएगा हमारा नेशन। यहाँ पे आखिरी में आप लोग देख सकते हैं कि सन के बाद एस का भी प्रोनाउंस आ रहा है और यहाँ पे भी सन के बाद एस का, तो इसमें सन का हुक के बाद एक एस का, सन के हुक के बाद एस का सर्कल भी लगेगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो फैशन लिखने के लिए पहले हम लोग को एफ का कॉन्सोनेंट, उसके बाद सन का हुक, उसके बाद एस का सर्कल, तो ये हमारा हो जाएगा फैशन। सेक्शंस में भी इसी तरह पहले हम लोग को यहाँ पे स्टार्टिंग में एस का सर्कल आ रहा है, उसके बाद के का प्रोनाउंस आ रहा है और उसके बाद सन का प्रोनाउंस आ रहा है और फिर एस का प्रोनाउंस आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा पहले एस का सर्कल, फिर के का कॉन्सोनेंट, उसके बाद सन का हुक और उसके बाद एस का सर्कल, तो यहाँ पे ए का ई का कॉन्सोनेंट, तो ये हमारा हो जाएगा सेक्शन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब भी सन का हुक लगेगा वो हमेशा एन के डायरेक्शन ही में लगेगा, तब तक जब तक कि इसके आगे आने वाला कोई कॉन्सोनेंट इस डायरेक्शन में ना हो। अगर इस डायरेक्शन में पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसमें ये जो सन का हुक लग रहा है वो अपोजिट साइड में लग जाएगा। जैसे कि इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दो एग्जाम्पल लिए हैं, ऑपरेशन और सिलेक्शन। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि आर का हुक लग रहा है पी के कॉन्सोनेंट में, साथ में सन का हुक का भी एडिशन है, तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे ऑपरेशन। यहाँ पे देख सकते हैं आर का हुक और यहाँ पे सन का हुक भी लग रहा है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि सन का हुक एन साइड ना लगकर अपोजिट साइड लग रहा है, क्योंकि यहाँ उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट का साइन इस तरफ से, इसीलिए यहाँ पे सन का साइड यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेशन। उसी तरह हम लोग को सिलेक्शन लिखने के लिए पहले एस का हुक लगेगा, उसके बाद एल का कॉन्सोनेंट, फिर के का प्रोनाउंस और उसके बाद सन, तो यहाँ पे हो जाएगा एस, तो ये हो गया सेलेक्शंस। यहाँ पे देख सकते हैं एल का यहाँ पे
कंसोनेंट लग रहा है, इसी कारण यहाँ पे सन का जो हुक है वो एन के डायरेक्शन में ना लगकर अपोजिट डायरेक्शन। और सन का डायरेक्शन तब भी चेंज होगा जब उसके पहले आने वाले कंसोनेंट में सेम डायरेक्शन में कोई वोवेल लगता है। तो आइए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हो गया कॉशन। आइए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉशन, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ना ही कोई हुक लग रहा और ना ही इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे ओ का वोवेल आ रहा है, इस कारण भी यहाँ पे सन का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। यानी कि जब भी इसके पहले कोई हुक, कोई कॉन्सोनेंट या फिर कोई वोवेल लगा हो तब सन का जो हुक है उस वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, नहीं तो बाकी सारे केस में सन का हुक एन के डायरेक्शन में ही लगेगा। आइए आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि सन फॉलोइंग सर्कल एस एंड एन एस। व्हेन सन फॉलोइंग द सर्कल एस और सर्कल एन एस, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ स्मॉल हुक रिटेन ऑन द अपोजिट साइड टू द सर्कल एंड विद द सेम मोशन। यानी कि अगर किसी कॉन्सोनेंट जिसमें सन का हुक लगना हो और सन के हुक के पहले एस या एन एस का सर्कल लग जाए, तो वहाँ सन का बड़ा सा हुक लगता था, वहाँ बड़ा हुक ना लगकर एक छोटा सा हुक सर्कल के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है सेम मोशन के साथ। यानी कि जिस डायरेक्शन में एस का सर्कल बन रहा है उसी डायरेक्शन में हुक लगाया जाता है, लेकिन बड़ा सा नहीं छोटा सा। आइए कुछ एग्जांपल के मदद से इसे और भी क्लियर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं हम लोग डिसीजन। या फिर पोजीशन। सेंसेशन। या फिर ट्रांजिशन। आइए इन सबको बनाते हैं और सीखते हैं कि छोटा हुक कैसे लगाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सन के पहले एस का भी प्रोनाउंस आ रहा है, यहाँ पे भी एस का प्रोनाउंस आ रहा है, यहाँ एन एस का प्रोनाउंस आ रहा है और यहाँ पे भी एन एस का प्रोनाउंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बड़ा हुक नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमारा छोटा हुक लगेगा। तो यहाँ डिसीजन लिखने के लिए पहले हम लोग को डी का कॉन्सोनेंट लगाएंगे, उसके बाद छोटा सा हुक एस का सर्कल के बाद छोटा सा हुक सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक लग रहा था, तो ये हो जाएगा हमारा डी सीजन। उसके बाद पोजीशन लिखने के लिए भी हमें सेम इसी तरह हुक लगेगा, पो सी सन। सेंसेशन लिखने के लिए हम लोग को पहले एस का सर्कल, उसके बाद एन का कॉन्सोनेंट, उसके बाद एस का एन एस का सर्कल, उसके बाद सन का हुक, तो ये हो जाएगा हमारा सेंसेशन। उसी तरह ट्रांजिशंस लिखने के लिए भी हमें पहले आर का कॉन्सोनेंट, उसके बाद एस का हुक और उसके बाद सन का हुक साथ में एस, तो हो जाएगा ट्रांजिशंस। देख सकते हैं आप लोग कि इसमें भी सन के बाद एस छोटा सा सर्कल लगाया जाता है एंड सन के कॉन में। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ पे सन आ रहा है और उसके पहले वाले कॉन्सोनेंट के थर्ड पोजीशन पे कोई वोवेल लग रहा है, तो वो सन के थर्ड पोजीशन पे वोवेल इंडिकेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सन के पहले आने वाले कॉन्सोनेंट के सेकेंड प्लेस पे आने वाले कॉन्सोनेंट को यहाँ पे सन पे नहीं दिखाया जा रहा, इसको इसके पहले आने वाले कोई भी अगर वोवेल आते तो उसको नेग्लेक्ट किया जाता, उसको कहीं पे भी शो नहीं किया जाता। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रांजिशंस में भी, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन का वोवेल लगा, लेकिन सेकंड पोजीशन पे अगर कोई वोवेल लग रहा है तो वो इंडिकेट नहीं किया जाता है पहले आने वाले कॉन्सोनेंट के सेकेंड प्लेस पे। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक सन का बड़ा हुक और छोटा हुक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग सीखते हैं सन के हुक के तुरंत बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसमें सन कैसे लगता है। सन हुक मीडियली, यानी कि जब सन का हुक किसी भी कॉन्सोनेंट्स के बीच में है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं एडिशनली।
या फिर एक्सनेबल। कुछ और एग्जांपल हैं जैसे कि डिवोशनल, या फिर ट्रांजिशनल, इन सभी वर्ड्स में आप लोग देख सकते हैं सन का प्रोनाउंस वर्ड्स के बीच में आ रहा है, यानी कि सन के पहले भी कोई कॉन्सोनेंट है और बाद में भी कॉन्सोनेंट है। तो आइए इन सबको बनाकर देखते हैं कि कैसे इनमें सन का हुक लगेगा। तो एडिशनली लिखने के लिए पहले हम लोग को पहले हम लोग को डी का कॉन्सोनेंट लगेगा, उसके बाद सन का हुक लगेगा, उसके बाद एल का फिर से कॉन्सोनेंट लगेगा। तो ये हो जाएगा एडिशनली। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डी का यहाँ पे ए का वॉवल, उसके बाद डी का कॉन्सोनेंट, उसके बाद सन का हुक, उसके बाद एल का फिर से वॉवल कॉन्सोनेंट, और उसके बाद आई का वॉवल। तो ये हो जाएगा एडिशनली। तो ये हो जाएगा हमारा एडिशनली। उसी तरह से अगर हम लोग को लिखना है एक्सनेबल, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सनेबल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्सनेबल का ए का कॉन्सोनेंट, ए का वॉवल, उसके बाद के प्रोनाउंस हो रहा है तो के का कॉन्सोनेंट, उसके बाद सन का हुक, उसके बाद ए का कॉन्सोनेंट, और उसके बाद बी का कॉन्सोनेंट, उसके बाद एल का फिर से कॉन्सोनेंट। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सनेबल। इसके बाद डिवोशनल लिखने के लिए भी हम लोग को इसी तरह डिवोशनल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डी का पहले कॉन्सोनेंट, उसके बाद वी का कॉन्सोनेंट, फिर सन का हुक, और उसके बाद एल का फिर से कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे ओ का वॉवल। तो ये हो गया डिवोशनल। इसी तरह ट्रांजिशनल के लिए भी ये हो जाएगा ट्रांजिशनल। देख सकते हैं कि किस तरह से ये हो रहा है कि जब भी कभी भी सन का हुक बीच में, तो उसके बाद भी कोई भी कॉन्सोनेंट लग सकता है, या फिर छोटा भी हुक लग सकता है, या फिर बड़ा भी हुक लग सकता है सन का। और हमारा आज का आखिरी टॉपिक है वर्ड्स एंडिंग विद UATION एंड UITION, यानी कि वैसे वर्ड जिसके अंत में UATION या UITION का प्रोनाउंस आए, जो कि सन ही की तरह होता है, तो वहां पे सन का हुक ना लगा के कंप्लीट वॉवेल लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिए हैं एक्सटेंशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि एक्स का कॉन्सोनेंट, उसके बाद टी का कॉन्सोनेंट, उसके बाद सन का हुक लगा, लेकिन यहाँ पे एक्सटेनुएशन में हम लोग एक्सटेन को तो लिख लेते हैं कॉन्सोनेंट, जो कि इसमें कॉन्सोनेंट ही लगता है, उसके बाद सन का जो प्रोनाउंस आ रहा है न्यूएशन का, तो यहाँ पे एन फिर एस एच का के बाद एन का फिर से हुक लगाते हैं, और यूए का वॉवेल। यहाँ पे कोई भी हम लोग सन का हुक नहीं लगा रहे, यहाँ पे पूरा कंप्लीट वॉवेल लिख रहे हैं। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि नोटेशन। तो यहाँ नोटेशन लिखने के लिए हम लोग डायरेक्टली एन का वॉवेल, एन का कॉन्सोनेंट, उसके बाद टी का कॉन्सोनेंट, और उसके बाद सन का हुक लगा लेते हैं, तो नोटेशन। लेकिन यहीं पर हम लोग को अगर लिखना हो इंटुएशन, जिसका स्पेलिंग होता है आई एन TUITION, intuition, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि UITION, जो कि ये प्रोनाउंस आ रहा है, वर्डिंग आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सन का हुक ना लगा के यहाँ पे कंप्लीट वर्ड्स लिखेंगे कॉन्सोनेंट, तो ये हो जाएगा intuition। तो ये हो गया। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि कितनी आसानी के साथ सन का हुक और UATION और UITION का कंप्लीट वॉवेल लगाया जाता है, जो कि आज के हम लोग इस वीडियो में सीखें। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगर यहाँ तक समझने में आप लोग को कोई भी दिक्कत हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। आप लोग के सारे कमेंट का आंसर मैं जल्द से जल्द देने का कोशिश करूँगा। ये कुछ ग्रामर लॉग्स आज के लिए, इसे भी अपने नोटबुक में लिख कर अच्छी तरह याद कर लें। और ये लास्ट वीक के आंसर।
और ये क्वेश्चन है आज के, जो कि हमेशा की तरह बेहद ही आसान है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इन वीडियोस के मदद से एंड जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अच्छी तरह सीख सकें। टिल नेक्स्ट वीक, गुड बाय। Please like, share and subscribe. Don't forget to click on bell button.